हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, फॉर्म भरते वक्त यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, दो कन्फ्यूज़न की बात है कि हम वन में क्या भरें और सेकंड में क्या भरें, राइट। अब आइए ज़रा इसको समझते हैं। हालांकि इंग्लिश में दिया है तो मे बी आपको थोड़ा सा इशू होता होगा, तो आइए हम इसको कन्वर्ट कर देते, हम हिंदी में चेंज कर देते इसको। अब आपको कोई समस्या नहीं होने वाली, हम वन बाई वन पढ़ते। पहले बात करते हैं कक्षा एक से पाँच के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की जगह पर आपको कौन सा कोड भरना है। तो वन बाई वन इसको पहले पढ़ लेते हैं। पहला लिखा है कि सीनियर सेकेंडरी या उसके समकक्ष कम से कम 50 अंकों के साथ दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन चाहिए, किसी भी नाम से जाना जाता हो। मतलब आपके स्टेट में किसी भी नाम से अगर आपने दो वर्ष का कोई डीएलएड किया है, आपके सीनियर सेकेंडरी में 50 अंक है, केवल आप पेपर वन देना चाहते हैं तो आप वन पे क्लिक करेंगे। दूसरा, सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 45 अंकों के साथ एनसीईटी मान्यता मापदंड के प्रतिक्रिया विनियम 2002 के अनुसार शिक्षा के दो वर्षीय डिप्लोमा। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट में डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन एजुकेशन दो साल का होता है, तो अगर आपने वो किया है तो वो आप कोड नंबर 2 डालिए केवल पेपर वन के लिए। तीसरा बच्चों, सीनियर सेकेंडरी इसके समकक्ष कम से कम 50 अंकों के साथ चार वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री बी एल बी एडी, इसको डी एल एड ई डी कहते हैं, तो बी ई एल और ई डी, यानी कि अगर आपने चार साल का बी एड डी एल एड किया है तो आपको ये भरना है, चार साल का अगर आपने किया है तो। अब बात कर लेते हैं इसका चौथा, सीनियर सेकेंडरी इसके समकक्ष 50 अंकों के साथ विशेष शिक्षा दो वर्ष, कहीं कहीं स्पेशल एजुकेशन कोर्स के नाम से दो साल का डिप्लोमा होता है, तो आपने ये आपको भरना ये है। जो कि बीएड वाले बच्चे हैं उनको कोड संख्या 5 भरना है। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है, कम से कम 50 अंकों के साथ आपका स्नातक मतलब ग्रेजुएशन और शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड अंतिम वर्ष में हो या अंतिम वर्ष आपने पास कर दिया हो, अगर बीएड के बच्चों को आपको 5वां ही भरना है, ठीक है। क्योंकि आपका बीएड 2 साल का होता है खासतौर पे यूपी में, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ग्रेजुएशन में 50 अंक, बीएड अंतिम वर्ष उत्तीर्ण हो या अंतिम वर्ष में उपस्थित हो, जिसने किसी भी एनसीटीई के से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा या स्नातक की योग्यता हासिल की है, शिक्षा के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा कक्षा 1 से 5 तक, बशर्ते शिक्षा के रूप में नियुक्त व्यक्ति की प्राथमिक शिक्षा के रूप में ऐसी नियुक्ति 2 वर्ष के भीतर अनिवार्य रूप से एनसीटी माध्यम द्वारा 6 महीने बीच कुछ कराना होगा। तो ये आपको कहने का मतलब है, जिन बच्चों ने बीएड किया है वो पहले में तो 5वां अंक भरेंगे 2 साल के बीएड वाले। छठा क्या है, न्यूनतम 55 अंकों या समकक्ष ग्रेड से स्नातक और 3 वर्षीय एकाकृत बीएड एमएड। हो सकता है कहीं एक ऐसा कोर्स होता हो जिसमें 3 साल में बीएड भी करा देते हैं और एमएड भी करा देते हैं, हो सकता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करा देते हो 3 साल में लगातार, तो ऐसे बच्चे यहाँ पे भरेंगे। लेकिन नहीं, आपको भरना क्या है, पहले वाले में 5 अंक डालना है बिना किसी डाउट के, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, समझ आ गया। अब भाई इसीलिए मैंने हिंदी में ले आया था कि समझ में आए। अब बात कर लेते हैं दूसरे में आपको क्या भरना है, 6ठी से 8वीं के लिए आपकी योग्यता क्या है। दोस्तों इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, लेकिन कन्फ्यूज़न है नहीं, बच्चों ने बना दिया है। पहला कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो अंतिम वर्ष में या स्नातक या उत्तीर्ण, ठीक है। तो अगर आपने प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष, तो प्रारंभिक इसको तो भरना ही नहीं है, ठीक है। दूसरा है बच्चों, स्नातक या स्नातकोत्तर चाहे ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50 अंक हो, और शिक्षा में स्नातक बीएड के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या फिर आप कर रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न दे दिया है, इसीलिए बच्चे यहाँ पे समझ नहीं पा रहे। यहाँ पे अगर आपने बीएड में उत्तीर्ण कर लिया है या फिर आप बीएड कर रहे हैं, यहाँ पे उत्तीर्ण या उत्तीर्ण का क्या मतलब होता है, उत्तीर्ण या उत्तीर्ण का कोई मतलब यहाँ पे होना चाहिए, उत्तीर्ण या उपस्थित होना चाहिए, लेकिन वास्तव में इसने क्या कर दिया, उत्तीर्ण या उत्तीर्ण कर दिया, जैसे कि आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब आप इसको इंग्लिश में देखेंगे तो सेकंड के लिए आपने 2 नंबर का एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, चाहे आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड पास्ट और अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर एजुकेशन। काम खत्म भैया, नो डाउट। आपको अगर आपने बीएड किया हुआ है या बीएड सेकेंड ईयर में है तो बीएड वाले बच्चे यही भरेंगे ऑप्शंस सेकेंड, एटलीस्ट
50% marks either in graduation or post graduation and passed or appearing in the final year of bachelor in education B.Ed. No doubt the tension is close. तो आपको यहाँ पे B.Ed. वाले बच्चे दूसरे वाले में सेकेंड नंबर ही भरेंगे बिना किसी डाउट के, ठीक है। B.Ed. की विद्यार्थी आँख बंद करके इसको भर सकते हैं बिना किसी डाउट के। अगर आप B.Ed. सेकेंड ईयर आपने पास कर लिया या B.Ed. सेकेंड ईयर में है तो आप इसको भर सकते हैं। एक और ऑप्शन है उसको भी देख के जाइएगा, वो ऑप्शन नंबर आपका 6 है। देखिए थर्ड कह रहा है कि इस संबंध में समय समय पर जारी ऐसे मान्यता दंड द्वारा कम से कम 45 अंकों के साथ स्नातक B.Ed. के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उपस्थित। ये देखिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे दिखा रहा है कि इस संबंध में समय समय पर जारी NCT की मान्यता मानदंड प्रक्रिया विनियमों के अनुसार कम से कम 45 अंकों के साथ स्नातक, यानी कि अपने ग्रेजुएशन में आपका 45 है और B.Ed. में अंतिम वर्ष में हो या अंतिम वर्ष में उपस्थित हो तो आप 3 नंबर डालेंगे। सीनियर सेकेंडरी DLED में 50 अंकों के साथ या 4 वर्षीय, अगर आपने 4 वर्षीय बी किया है तो आप ये डालेंगे। पांचवा कह रहा है कि सीनियर सेकेंडरी में 50 अंकों के साथ 4 वर्षीय, वही आपने अगर एजुकेशन से ग्रेजुएशन किया है BSc एजुकेशन से किया है या फिर B.Ed. आपने, तो आपको ये डालना है। छठा देखिए कम से कम 50 अंकों के साथ स्नातक और B.Ed. अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उपस्थित विशेष शिक्षा, यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन की बात की जा रही है। और सातवां दोस्तों कि कोई भी उम्मीदवार इसका देखिए, तो अगर आपका कुछ और B.Ed. के अलावा आपने 3 साल या 4 साल का ग्रेजुएशन किया तो आप उसी हिसाब से भरेंगे, लेकिन जिन बच्चों ने B.Ed. किया हुआ है या B.Ed. के फाइनल ईयर में है वो बच्चे सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और फाइनल सबमिट करें, नो डाउट बिना किसी टेंशन के। दोस्तों कमेंट में अगर कोई समस्या आ रही है मुझे बताएं कमेंट में, मैं अपनी तरफ से जो भी कोशिश हो सकता वो मैं ज़रूर करूँगा। फिलहाल आप बहुत सावधानी से पेपर भरिए, कोई भी समस्या आप पूछ सकते हैं। तो B.Ed. वाले बच्चे फर्स्ट पेपर में 5th भर दें और सेकेंड पेपर में 2 यहाँ पर कोड भर दें और इस प्रकार से आपका B.Ed. का फॉर्म हो खत्म। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके B.Ed. के एग्जाम्स के लिए, तैयारी करते रहिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।